प्रत्याशी सीपी सिंह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्हें विश्वास है कि छठी बार भी जनता उन्हें अपना विधायक चुनेगी। उनसे बात की कशिश ब्यूरो चीफ सुरेंद्र सोरेन ने। रांची सीपी सिंह के लिए रिजर्व है, क्या इस बार भी रिजर्व माना जाए सीपी सिंह? ये तो मीडिया के लोग, आप लोग बताइएगा, जनता बताएगी। देखिए कोई भी चीज को मैं चुनौती मानता हूँ, चुनौती को अवसर के रूप में लेता हूँ। सवाल ये है कि ये तो जनता बताएगी और मीडिया के लोग घूम रहे होंगे तो मीडिया के लोग बताएं। मेरे मुंह से आप क्यों बात कहलवाना चाहते हैं? मैं अपना जो परिश्रम 365 दिन 24 घंटे करता हूँ वही कर रहा हूँ, कोई नया तो कर नहीं रहा हूँ। चुनाव के वक्त दावे तो किए ही जाते हैं, दावा ही भैया, दावा तो ऐसा है ना, दावा के लिए और पता नहीं 9-10 तो कैंडिडेट है ना, उनसे पूछिए तो बेहतर होगा। सीपी सिंह कभी दावा ठोका नहीं आज तक। कौन जी का दावा? ये जमीन जायदाद का दावा है क्या? किस चीज का दावा? सीपी सिंह जिंदगी में कभी दावा नहीं किया, जिंदगी में कभी क्लेम नहीं किया। सीपी सिंह सिर्फ कर्म में विश्वास करते हैं, कर्म योगी है, कर्म योद्धा है और कर्म करने का काम करते हैं, अब अच्छा कर्म करते हैं। बस कर्म करने का मौका मिला 5 साल जी, तो कौन सा काम अगला 5 साल के लिए आप लक्षित रखेंगे जिसे आप पूरा करना चाहेंगे राजधानी? देखिए काम का कोई अंत है क्या? एक काम कीजिएगा दूसरा काम सामने, दूसरा कीजिएगा तीसरा सामने, काम तो चलता रहेगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है भाई साहब, ये चलता रहता है, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे आसमान का कोई है क्या, कोई नापा है आज तक आसमान क्या? उसी प्रकार से काम कोई नाप सकता है क्या?